ये जो पिज़्ज़ा पराठा है इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों और बड़ों घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आटा, देन उसके बाद जो है हमें चाहिए रेड चिल्ली फ्लेक्स और ये है मिक्स हर्ब, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, एक कैप्सिकम है बारीक कटी हुई और बेल पेपर है येलो एंड रेड। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं। उसके बाद है ये फ्रोज़न कॉर्न्स, टोमेटो, टोमेटो को भी हमने जो है बीज निकाल कर इसका जो पानी निकाल कर बारीक काट लिया है और एक बारीक कटा हुआ प्याज। देन उसके बाद है एक चीज़, चीज़ को हम जो है कद्दूकस कर लेंगे, बारीक कर लेंगे इसे। अब हम सिंपल पानी से आटे को गूंद के रख लेंगे ताकि थोड़ी देर तक जो है वो आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से हमने आटा जो है गूंद के रख लिया है, ये ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा पतला। और इसके बाद हम सारी सब्जियां और चीज़ जो है एक बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने चीज़ को एक बर्तन में डाल लिया है। उसके बाद हम टमाटर और ये बेल पेपर, कॉर्न और जितने भी हमारे प्याज जो भी है इंग्रेडिएंट हैं आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें और सब्जियां ऐड करना चाहते हैं जैसे बीन्स हो गई, मशरूम हो गई, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब का डालकर मिक्स कर देंगे। दो चम्मच जो है हम टोमेटो सॉस के लेंगे और 2 चम्मच ही रेड चिल्ली सॉस के लेके दोनों को मिक्स कर देंगे। अब एक नॉर्मल पराठा पकाने के लिए हम जितना आटा लेते हैं उतना ही आटा हम लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, इसे मोटी जो है रोटी हम नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो उसमें से जो मिक्सचर है वो बाहर निकलेगा और अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो जो है अंदर से वो कच्ची रह जाएगी, पकेगी नहीं। तो इस तरह से हमने एक रोटी बना के उसके ऊपर ये दोनों सॉस जो है मिक्स करके रखी हुई थी इसे हमने लगा लिया अच्छी तरह से। अब हमारा जो मिक्सचर है जिसे हमने मिक्स करके रखा है वेजिटेबल वाला, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से हाफ रोटी के ऊपर हम फैलाएंगे। इस तरह से हाफ रोटी के ऊपर हम इसे फैलाते हुए देन दूसरा जो हिस्सा है उसे हम इस तरह से इसे लॉक कर देंगे। जो सॉस है उसी की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से लॉक कर देंगे और जो हमारी रोटी है साइड के किनारों से उसी सॉस की हेल्प से जो है वो बंद हो जाएगी। तो इसे हम इस तरह से धीरे से बहुत ही इजीली ये बन जाता है और तवे के ऊपर रख देंगे। तवा हमारा जो है इस वक्त हल्का हल्का गर्म है, हम इसे दोनों साइड से हल्का हल्का तेल लगाते हुए पका लेंगे। अब बारी बारी से हम दोनों साइड पे तेल लगाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि दोनों साइड से जो है हमारा पराठा है अच्छी तरह से सिक जाए। पराठा हमारा अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसे नीचे उतार कर पिज़्ज़ा की शेप में इसी तरह से काट लेंगे। अब आप देखो ये अच्छी तरह से अंदर से चीज़ जो मेल्ट हो चुका है और सारी सब्जियां पक गई हैं। इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी पका लेंगे और इसे गरम गरम सर्व करेंगे। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर पिज़्ज़ा पराठा को ट्राई करके देखें और इसे बनाएं और सबको खिलाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।